वेलकम टू स्टॉक रिसर्च सेंटर। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्कूटर के स्टॉक के बारे में, क्योंकि कंपनी की तरफ से क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे अनाउंस कर दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं क्वार्टर फोर के जो रिजल्ट हैं वो यहाँ पे कैसे कंपनी ने पेश किए। उसके पहले यहाँ पे डिविडेंड हम यहाँ पे देख लेते हैं। डिविडेंड तो कंपनी ने अनाउंस नहीं किया है। हाँ, कंपनी ने यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस किया है, ये देख सकते हो। 60 रुपये पर इक्विटी शेयर का यहाँ पे फेस वैल्यू 10 पे, तो 600% का यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है। और ये इसकी जो एक्स डेट है वो यहाँ पे दिया नहीं गया है यहाँ पे, बट जो क्रेडिट और डिस्पैच हैं वो यहाँ पे 26 जुलाई रखा गया है, ये देख सकते हो। क्रेडिट एंड डिस्पैच डेट जो है 26 जुलाई और 27 जुलाई, तो ये चीज़ें यहाँ पे रखी गई हैं। आ जाते हैं हम अपने रिजल्ट की ओर, रिजल्ट कैसे रहे वो चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं। तो ये जो है यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट, अब ये जो रिजल्ट है उसमें जो टोटल ऑपरेशन इनकम है वो किस में दिया गया है, लैक्स में दिया गया है। तो हमको यहाँ पे करोड़ में कन्वर्ट करना है, तो ये जो वैल्यू है उसको हम करोड़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। सीधे सीधे यहाँ पे दो डिजिट को हम छोड़ देंगे। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 5.18 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में कितना था यहाँ पे 6.37 करोड़ के आसपास था, और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में कितना था 924 करोड़ के आसपास। तो क्या हुआ है यहाँ पे, टोटल इनकम जो है उसमें यहाँ पे अगर हम अदर इनकम छोड़ देते हैं उसमें ड्रॉप दिखाई पड़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी, तो ये चीज़ यहाँ पे देख सकते हो। और हम एक्सपेंसेस की बात करें, टोटल जो एक्सपेंसेस हैं यानी कंपनी के जो टोटल खर्चे आए हैं वो यहाँ पे कितने आए हैं, तो टोटल खर्चे यहाँ पे आए हैं 5.01 करोड़, और लास्ट क्वार्टर यहाँ पे 5.67 करोड़, और लास्ट ईयर यहाँ पे 8.02 करोड़ के आसपास आए थे। तो ये यहाँ पे खर्चे हैं, खर्चे को घटाने के बाद जो आफ्टर टैक्स प्रॉफिट बच रहा है वो कितना बच रहा है। आफ्टर टैक्स अगर प्रॉफिट देखोगे तो यहाँ पे 10 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट बच रहा है। लास्ट क्वार्टर में यहाँ पे 1 करोड़ का प्रॉफिट बचा था, और लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 82 लाख का यहाँ पे प्रॉफिट बचा था। तो ये चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। तो ये यहाँ पे कंपनी के रिजल्ट थे। कंपनी के रिजल्ट थोड़ा वीक साइड यहाँ पे आए हैं, रेवेन्यू भी थोड़ी सी वीक साइड दिखाई पड़ी है, इस कारण से यहाँ पे वो चीज़ें इम्पैक्ट डाल रही हैं कंपनी के रिजल्ट पे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और बाकी आप बता सकते हैं कंपनी के रिजल्ट आपको कैसे लगें। वीडियो लाइक करिएगा, चैनल पे नए बने चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा, साथ ही जो बेल नोटिफिकेशन उसको भी ऑन कर लीजिएगा।